सेवा सर्विस ट्रेन्स, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का सराहनीय प्रयास। लेकिन इस प्रयास में बिहार का नाम नहीं है, बिहार के कोई जिले का नाम नहीं है, बिहार के कोई स्टेशन का नाम नहीं है, बिहार की कोई भी ट्रेन का नाम नहीं है। सेवा सर्विस ट्रेन्स छोटे शहरों को बड़े और महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ने के लिए 15 अक्टूबर से देश के अलग अलग हिस्सों में सेवा सर्विस ट्रेन्स चलाई जा रही हैं। इस कदम का उद्देश्य लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है, जिससे हर व्यक्ति रेलवे की सुगम और सुविधाजनक यात्रा का लाभ ले सके। देश को लाभ मिलेगा लेकिन बिहार को लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस सेवा में बिहार के ना तो किसी स्टेशन का नाम है, ना ट्रेन का नाम है, ना ही किसी रूट का नाम है। तो नाम किसका है ये भी देख लीजिए। ये ट्रेनें वडनगर से महेसाना, असरवा से हिम्मतनगर, करूर से सलेम, पलानी से कोयम्बटूर और दिल्ली से शामली आदि स्टेशनों के बीच चलाई जा रही है। ये ट्रेनें छोटे शहरों से बड़े स्टेशनों तक यात्रियों की पहुँच बढ़ाने में मददगार होगी। तो अब इसे भेदभाव न कहा जाए तो आखिर क्या कहा जाए? जी हाँ दोस्तों, सर्विस सेवा की शुरुआत रेल मंत्रालय ने की है और बाकायदा इसका प्रचार किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ट्रेन सेवा सर्विस की शुरुआत की है जो छोटे शहरों को जोड़ेगी। तो क्या क्यों इसमें बिहार को अनदेखा किया गया, क्यों बिहार का नाम नहीं है, जबकि बिहार के तमाम यात्री जो है वो बाहर रहते हैं। बिहार जो है एक बहुत बड़ा प्लेयर है, रेलवे को इस्तेमाल करता है, रेलवे से मुनाफा मिलता है, आखिर क्यों बिहार का एक भी शहर का नाम, एक भी स्टेशन का नाम इस सेवा से जोड़ा गया, क्यों नहीं जोड़ा गया? सवाल यही है कि आखिर ये भेदभाव नहीं तो क्या है? क्योंकि बात जब नई ट्रेन की आती है, ट्रेनों के एक्सटेंशन की आती है, तो बिहार को हमेशा पीछे छोड़ दिया जाता है। तो यही स्थिति है कि सेवा शुरू होती है लेकिन बिहार का उसमें नाम नहीं है। इससे पता लगता है कि क्या रेलवे क्या सोचता है बिहार के बारे में। और सिर्फ यही नहीं, ट्रेन की स्पीड बढ़ाने को लेकर जोर है। पूर्णिया कोर्ट से मधेपुरा के बीच 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी स्पीडी ट्रायल। 16 तारीख को स्पीडी ट्रायल की घोषणा की गई और ये जो है सीआरएस होगा और स्पीडी ट्रायल के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। किस बात के लिए स्पीडी ट्रायल, किस बात की स्पीडी ट्रायल जब पैसेंजर को ही इसका फायदा नहीं है? क्या मालगाड़ी को तेजी से भगाने के लिए स्पीडी ट्रायल होगा? जब ट्रेन ही नहीं है तो स्पीडी ट्रायल किस बात की? क्या मालगाड़ी के लिए ये सारा कुछ चल रहा है? तो आखिर जनता क्या, जनता को पीछे छोड़ करके क्या फायदे के लिए मालगाड़ी के पीछे पड़ी है और स्पीड को बढ़ाने की चिंता है? स्पीड को क्यों बढ़ाने की चिंता है? जो स्पीड है उसी में ट्रेन चलाओ, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन दो, ट्रेन को एक्सटेंशन दो। लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं है दोस्तों, रेल मंत्रालय तक ये आवाज नहीं पहुंच रही है। अगर पहुंच भी रही है तो उसे अनदेखा किया जा रहा है। तो सवाल यही है कि मोदी सरकार या रेल मंत्री, बिहार के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सवाल यही है कि क्यों ये भेदभाव और कब तक ये भेदभाव होगा? क्योंकि बिहार जो है उसके कई रूट्स, कई जिले ऐसे हैं जहां ट्रेनों की सख्त जरूरत है, ट्रेनें बढ़ाने की जरूरत है, जो ट्रेनें अनाउंस हो चुकी हैं बजट में उसे देने की जरूरत है। लेकिन ना तो केंद्र सरकार के कान पर जू रेंग रही है और ना ही रेल मंत्रालय बिहार की आवाज को सुनने को तैयार है दोस्तों। लेकिन हम भी चुप बैठने वाले नहीं है दोस्तों, लगातार इस मुहिम को जारी रखेंगे और रेल मंत्रालय से लेकर केंद्र सरकार तक को जो है वो आवाज पहुंचाते रहेंगे, बिहार की आवाज, और देखते हैं कि बिहार की आवाज को केंद्र सरकार कब तक अनसुना करती है, रेल मंत्रालय कब तक नहीं सुनता। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो, कुछ और खबर और कुछ और विश्लेषण के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद।